हाँ सर, रोजगार किस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है सरकार की तरफ से व्यवस्था? अभी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी अप्रवासी मजदूर आए हैं प्रखंडों में और पंचायतों में, उसका PRS के माध्यम से सर्वेक्षण कराना है कि वो क्या काम करते थे, कुशल है अकुशल है, और जो भी उसमें अकुशल मजदूर होंगे और क्वारंटाइन अवधि से बाहर आ जाएंगे और वो ठीक ठाक रहेंगे तो उनका PRS के द्वारा जॉब कार्ड खोल कर उनको पंचायत में काम दे दिया जाएगा, ताकि वो जो बाहर से आए हैं तो उनके सामने भुखमरी की स्थिति न हो, बेरोजगारी की स्थिति न हो, तो उनको लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह के निर्देश सभी एक को आज की बैठक में दिया गया है। और अभी तक कुल 527 अप्रवासी लेबर का संरक्षण करके जिला भेजा जा चुका है। उसमें कोई अगर कुशल श्रमिक भी होंगे, राजमिस्त्री होंगे, कोई बढ़ई होंगे, तो उनको जिला स्तर पर उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो इस तरह की अभी गतिविधि चल रही है मनरेगा में, जिसका आज के बैठक में सबको निर्देशित दिया गया है। मान लिया जाए कि सर जो जिस योग है उस हिसाब से गवर्नमेंट उसे जॉब देगी? हाँ, अगर अकुशल है तो मनरेगा में हम लोग देंगे जी, कुशल है तो हमारा पक्का, अगर कोई काम चलेगा पुल पुलिया काम चलेगा, ढलाई रोड चलेगा तो कुशल में उसको काम देंगे। अगर उसके अलावा कोई क्लासी है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, क्लीनर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उसको जिला स्तर से जो अन्य विभाग में काम चल रहा है, बिजली विभाग में काम चल रहा है, तो वहाँ काम करेगा। और भी कोई काम करते हैं तो उनको उद्योग विभाग से काम दिया जाएगा। तो इसकी सारी सूची जिला को भेज दी गई है सरकार द्वारा निर्देशित, ये सारा चीज़ें। हाँ,